सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सटेक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त मसालेदार धमाकेदार एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों देने वालों को सवालों के जवाब जो अपने पूछे थे के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल यार बहुत सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब, तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल के साथ में, सीधा जल्दी से आगे बढ़ते हुए। यार आप खैर जब तक मैं वीडियो शुरू करूं जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे में कोशिश तो रहती है यार कि आप में से जितने ज्यादा हो सके उतने सवालों का जवाब दे दूं, लेकिन क्या करें कभी कभी जो है वो सवाल स्किप हो जाते हैं। बट एनीवेज आज वैरायटी बहुत सारी है, मजा बहुत ज्यादा आएगा। यार पहला सवाल पूछा है सूरज आगराहरी ने, बोलते हैं कि गौरव भाई जी ऐसी कोई वीडियो बनाओ जिसमें मोबाइल को क्लीन करने का कोई किट हो, बिकॉज मोबाइल्स में बहुत डस्ट आ गई है जिससे स्पीकर और चार्जिंग पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है। सूरज भाई, एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले, एक टीवी सीरियल था जिसका नाम था साथ निभाना साथिया। वहाँ पे एक कैरेक्टर था गोपी बहू के नाम से, और उन्होंने ट्यूटोरियल बनाया था लैपटॉप को क्लीन करने का कि लैपटॉप जो है वो आप कैसे साफ कर सकते हो, बड़े आराम से जो है वो सिंक के नीचे रगड़ के लैपटॉप साफ करके आप सुखा सकते हो। मोबाइल के लिए भी ऐसा कर सकते हो अगर आपका मोबाइल जो है वो आता है IP रेटिंग के साथ में, IP68 या 67 वगैरह। लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात क्या है, मजाक की बात अलग हुई। तो यार अलग अलग ना वो आते हैं, आपका सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं, डेफिनेटली मोबाइल क्लीनिंग किट्स वगैरह आते हैं, और कई केसेज में आप बिना इनके अपने नॉर्मल तरीके से घर पर क्लीन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा ऐसा वीडियो बनाने का जिससे क्या पता आपको फ़ायदा मिल जाए। अगला सवाल है यहाँ पे तुषार का, बोलते हैं कि हेलो गौरव भैया, इस बार तो IPL की कंटिन्यूएशन फिर से UAE में है, और इस बार तो 60% ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर ऑडियंस आ सकती है स्टेडियम्स में, तो व्लॉग मिल सकता है क्या? तो शायद यार मैं जस्ट अभी वापस आया हूँ, और मैंने भी तक इतना जो है वो ध्यान से चेक नहीं किया कि IPL का कैसे चल रहा है। मतलब आई नो कि दुबई में होने वाला है, UAE में होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं वो सब चीज़ें मैंने भी चेक नहीं करी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है कि ऑडियंस हो सकती है तो डेफिनेटली किसी बड़े मैच के लिए या कुछ अच्छे तरीके से कोशिश कर सकते हैं व्लॉग की, और व्हाई नॉट, आई मीन मजा आ जाएगा। और उसके बाद तो फिर T20 वगैरह भी है, तो और मतलब ज़्यादा ही मजा आएगा। अगला सवाल है यहाँ पे शिवम का, ये बोलते हैं कि गुरुजी मुझे ये बताओ कि अगर एक आईपैड लेना हो डेली यूज़ के लिए और बजट का इशू ना हो तो वो कौन सा लेना चाहिए? शिवम यार देखो, बजट का इशू नहीं है तो फिर तो आप ले सकते हो 2 TB वाला और iPad 12 Pro 12.9 इंचेस वाला, कुछ 2,12,900 का है, बट डजंट मेक सेंस। तो बेसिकली मतलब आइडियली मैं कहूँगा iPad Air जो है ना 4th generation वाला एक बहुत अच्छा iPad है, आप अगर वो लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप iPad Pro लाइन पे आ सकते हो, बट Pro तभी जाओ जब आपको वाकई में उस iPad का उतना यूजेज हो, अदरवाइज फॉर एनी नॉर्मल अदर purposes, iPad Air जो है वो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, इंटरमीडिएट प्राइस रेंज का है, और फंक्शनलिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। अगला सवाल है यहाँ पे विकास का, बोलते हैं कि इस फास्ट चार्जिंग यूजेज वी गेट इन मोबाइल फोन्स डेली गुड फॉर द बैटरीज ऑन द लॉन्गर रन, एज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर प्रोवाइडिंग फास्ट चार्जर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चार्जर्स, जस्ट क्यूरियस टू नो इट्स इफेक्ट ऑन बैटरी लाइफ। तो विकास भाई डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो फास्ट चार्जिंग जो है वो बैटरी को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म? अब आज के डेट में नॉर्मली आप फोन यूज करते हो 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल, तब तक तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, उसके बियॉन्ड फिर आप बैटरी चेंज कर लो। तो कहीं ना कहीं एक मतलब आई नो ट्रेड ऑफ है कि आप फास्ट चार्जिंग करते हो जो आपको उसका मजा मिलता है, तो वो बैटरी की हेल्थ इतना अच्छा नहीं काम करेगा। बट कई बार मोबाइल फोन्स में जो है वो ऑप्टिमाइज चार्जिंग का या स्लो चार्जिंग का ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर में, आप उसको यूज कर सकते हो ताकि आप जो है बैटरी की हेल्थ को इतना ज्यादा जो है डिटोरिएट ना करो। लेकिन हाँ नॉर्मली अगर आप यूज करते हो 2 साल 2.5 साल तो कुछ कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। सिद्धार्थ बोलते हैं कि आपने पहले बताया था कि एक्सप्लोर करो एंड दिल से आवाज़ आए वो सब्जेक्ट को लो, वो आवाज़ कब कैसे कहाँ से आएगी, एक्सप्लोर कैसे करना है? सितंबर आ गया, टाइम कम है, मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड कर भी लिया, हाउ डू आई, अगर गलत सब्जेक्ट चुन लिया तो गोली बना रखी है, जाऊंगा मतलब क्या मारा जाऊंगा, प्लीज़ एक बार फोन बात हो सकती है क्या? सिद्धार्थ भाई देखो सिंपल सी बात ये है यार, डोंट टेक समथिंग टू सीरियसली। आई नो कि इट्स अ सीरियस थिंग, आप हम नो आप आगे करियर अपना किस तरह जाएगा उस पर आप फैसला ले रहे हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा भी सीरियस मत लो कि आप फैसला ले ही ना पाओ। समटाइम्स इफ यू नो इफ यू गिव समथिंग टू मच वैल्यू तो आपके लिए वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट गो विद द फ्लो, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, या कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है, कि आपको बायो अच्छी पसंद है, आपको कॉमर्स अच्छा लगता है, मतलब जस्ट यू नो गो विद द फ्लो, आपको क्या लग रहा है अपने, मतलब अगर आपको सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको कोई एक चूज करना हो तो आप कोई एक तो नाम लोगे ना, तो जो नाम ले लो सबसे पहले इसका मतलब वो आप एक्चुअली चाहते हो करना। तो कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंस के चक्कर में ना हम बहुत पैनिक कर जाते हैं, इसलिए हम जो है वो फैसले ले नहीं पाते। ऐसा मत सोचो, ठंडे दिमाग से एक बार जस्ट ट्राई टू सी कि अच्छा क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हो,
डेफिनेटली वो आवाज़ आ जाएगी, अंदर से आएगी, सुनाई जरूर देगी एकदम ऐसे 3D में, सराउंड सराउंड इफेक्ट के साथ में। अनुराज बोलते हैं कि गुरुजी ऑल्दो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन बट आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो ऑफ मिड रेंज फोन्स टू बाय आई एम कन्फ्यूज विच वन टू बाय वन प्लस नॉट टू और वन प्लस नाइन प्रो, आई विल एटलीस्ट यूज फॉर 4 to 5 years, प्लीज सजेस्ट एंड प्लीज पिक माई क्वेश्चन। भाई देखो 4 से 5 साल तो अनुराज मैं लिख के देता हूँ, मतलब नहीं लिखूंगा ज़्यादा हो जाएगा, बट एनीवेज मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपको आज लग रहा है ऐसा है बट ऐसा होगा नहीं, आप बहुत जल्दी फ़ोन चेंज करोगे 2 से 3 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम, तो 4 से 5 साल तक तो आप यूज़ नहीं करने वाले, ऐसा आपको आज लगता है कि आप कर लोगे बट बिलीव मी यू विल नॉट बी एबल टू। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो वन प्लस नॉट टू इज़ एन अमेजिंग फ़ोन उस प्राइस के हिसाब से, 9 प्रो भी अच्छा फ़ोन है, ख़राब फ़ोन नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टिल पैसे आपके बच सकते हैं और आप काफ़ी कुछ मज़ा अपने वन प्लस नॉट टू में उठा सकते हो काफ़ी कम कीमत में, और जब फ़ोन को यूज़ करके आप बेचने वाले हो इवेंचुअली तो आपको ज़्यादा डिप्रिसिएशन का लॉस भी नहीं होगा कंपेयर टू वन प्लस 9 प्रो, आई थिंक इट्स अ बेटर डिसीजन जो आप ले सकते हैं। निमिश बोलते हैं कि हेलो गुरुजी जिम का सीन कैसा चल रहा है, बाय द वे अगर सैमसंग को रोलेबल फ़ोन आ गया तो आप किसको चूज़ करेंगे, फोल्ड या फिर रोलेबल, एंड सैमसंग फोल्ड फोन्स को कंटिन्यू करेगा क्या, मींस नेक्स्ट ईयर फोल्ड 4, लव फ्रॉम महाराष्ट्र। निमिश आई थिंक करेगा फोल्ड को कंटिन्यू सैमसंग फॉर नाउ एटलीस्ट, बाकी आगे लेट्स सी क्या पता चेंज भी हो सकती है चीज़ें, बट हाँ जब रोलिंग आएगा तो यार डेफिनेटली मन थोड़ा सा रोल की तरफ ज़्यादा अच्छे से जाएगा मेरा। और जहाँ तक बात है जिम का सीन, तो जिम का सीन एकदम फर्स्ट क्लास सही चल रहा है और मेहनत चालू है, रिजल्ट्स भी आते हैं तो देखिए काफ़ी और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अगला सवाल है यहाँ पे नितिन धीर का, बोलते हैं जैन गुरु जी क्या आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो? हाँ भाई कभी कभी जब मैं इंडिया में होता हूँ, जब कभी कुछ आइटम चाहिए होता है तो डेफिनेटली यू नो मैं फ्लिपकार्ट से, बट करे बहुत टाइम हो गया, अमेजोन पता नहीं क्यों दिमाग में पहले अमेजोन ही आता है कि मतलब बस क्रोम खोला और AMA टाइप किया तो मतलब पता नहीं क्यों पहले टाइपिंग वो फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट आई डोंट बिलीव मैंने लास्ट टाइम कभी यूज़ किया होगा, हाँ बट अमेजोन हो जाता है कभी कभार। और इज मी स्मार्ट रोबोट वैक्यूम मॉप पे बेटर ऑप्शन टू बाय एज अ लिटिल ओवर प्राइस? यार वैक्यूम जो होते हैं ना ये क्लीनर्स वगैरह, ये घर से घर पे डिपेंड करता है कि आपका घर कैसा है, कैसा वहाँ पे आपको क्लीनिंग चाहिए, कुछ केसेस में बहुत काम क्लियर हो सकते हैं और कुछ केसेस में पैसे की वेस्टेज भी हो सकते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या वॉइस असिस्टेंट को यूज़ करते हो? बिल्कुल करते हैं भाई। फिर बोलते हैं top 3 best airlines, यार top 3 best airlines जहाँ पे मेरी मेमोरीज हैं अच्छे ट्रैवल्स की, ऑफकोर्स एमिरेट्स, उसके बाद में इंडिया में अगर आपसे बात करता हूँ तो विस्तारा, और इसके अलावा अगर ग्लोबल स्केल पे और बात करूँ तो सिंगापुर एयरलाइंस, ये 3 मतलब बहुत बहुत सही हैं। फिर बोलते हैं कि योर फेवरेट मूवी, नितिन यार मूवीज़ बहुत सारी हैं, बहुत बहुत सारी हैं, आई मीन देर आर फ्यू मूवीज़ जो मैं कितनी बार भी देख सकता हूँ और बस मैं नो कभी भी दिखा दूँ मतलब कहीं कहीं तो सीन सीन याद है मुझे। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है दोनों पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल, गंगा जल फॉर एग्जाम्पल, अपहरण हो गया है, शूल हो गई है, उसके अलावा अभी नई मूवीज़ जो आई हैं या अगर बात करूँ हॉलीवुड की तो फॉर एग्जांपल गॉडफादर सीरीज़ हो गई है, या मिशन इम्पॉसिबल की पूरी सीरीज़ हो गई है, या फॉर एग्जांपल और अगर बात करता हूँ बॉलीवुड में तो नो टिपिकल हेरा फेरी हो गई है, मुन्ना भाई वगैरह हो गई है, या उसके अलावा मूवीज़ ये मूवी थी एक मैं नाम कैसे मिस कर गया यार, अरे जिसमें वो राजकुमार राव प्लेज एन एडवोकेट, शाहिद, वो काफ़ी अच्छी मूवी है, उसके अलावा काई पोछे फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी मूवी है, या मतलब बहुत अच्छे वो हैं, मेरी वैरायटी बहुत अलग अलग है। एक हरियाणा मतलब थोड़ा सा आपको उसमें टच आएगा, मूवी का नाम है लाल रंग, रणदीप हुड्डा की, बहुत अच्छी मूवी है। तो इट्स जस्ट दैट अलग अलग वैरायटी की मूवी पसंद है, बट हाँ वो टिपिकल जो होते हैं ना मसाला फिल्म वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती ऑनेस्टली। अगला सवाल पूछा है वैसे यहाँ पे निमिश खरीकर ने, बोलते हैं कि ऑल गुरुजी कैसे हो, आप शेयर मार्केट बिटकॉइन डॉजकॉइन के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हो क्या? थोड़ा बहुत कर लेते हैं भाई, हल्का फुल्का चल जाता है, बट हाँ मैं एक वीडियो जरूर आपके लेके आऊँगा इसी बारे में। फिर बोलते हैं कि बाय द वे फोल्ड सीरीज का स्टार्ट कर दिया या फिर टॉम ब्राउन के लिए वेट कर रहे हो? यार टॉम ब्राउन के लिए वेट भी कर रहा हूँ, मन भी कर रहा है स्टार्ट करने का, बट अभी तक नहीं किया है, अभी तक अपना जो है ये फोल्ड 2 ही चल रहा है, अभी तक मैंने उसमें अपना सिम लगाया नहीं है टू बी ऑनेस्ट फोल्ड 3 में। और बोलते हैं कि वैसे टॉम ब्राउन कब तक आ रहा है, दिस ईयर एंड तक? नहीं नहीं उससे तो पहले आ जाएगा यार, कर लेंगे हम कुछ ना कुछ, मतलब हो जाएगा दुआर। फिर बोलते हैं प्रकुल, हेलो गुरुजी कैसे हो, क्या आपको कभी भी स्कूल में होमवर्क नहीं करने और क्लास में शरारत करने के लिए कभी पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं यार प्रकुल, आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसा कभी मिला हो, बिकॉज मैंने काम जो है वो लगभग ठीक ही किए स्कूल में सारे, और कभी जब ऐसा हुआ कि भैया काम ठीक नहीं हुए तो उस टाइम तक हम इतने स्मार्ट हो चुके थे कि पनिशमेंट कैसे अवॉइड करनी है हमको आती थी, तो मतलब या तो स्मार्टनेस दिखा दो और या फिर काम कर लो। तो बचपन में मिड नो काइंड ऑफ मिडिल एज तक जो है वो काम किया, उसके बाद स्मार्टनेस आ गई तो फिर स्मार्टनेस दिखाई, मतलब आप आई होप आप समझ पा रहे हो। अगला सवाल है साहिल का, बोलते हैं कि व्हाई ऑलमोस्ट एवरी स्मार्टफोन ब्रांड फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? पैसा, पैसा ही पैसा होगा, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर है साहिल भाई, यहाँ पे एकदम क्लियर बात है, सस्टेनेबिलिटी वाली बात है। देखो होता क्या है ना, बताता हूँ ऑनेस्टली, एक बात सोचना, मान लो ये 10 लोग हैं, ठीक है, एक एक ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं, अब सामने टीचर आपको पढ़ा रहा है,
और टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको ऐसा अपने कैसी इमेज बना रखी है कि यार टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और ऐसे एग्जाम्पल आया स्कूल था ना पिछला क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे दिमाग में आ गया। अब आप में से बाहर सबको जाना है क्लास के, आपको एक वॉशरूम ब्रेक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो टीचर से पूछे कौन। बाई चांस किसी एक ना स्टूडेंट ने हिम्मत करके टीचर से पूछ लिया और टीचर ने अलाउ कर दिया। अब जैसे ही वो उठ के बाहर गया ना, जैसे ही वो आया अंदर, अब सबके मन का डर खुल चुका है। अब सबको लगता है यार हम भी पूछ सकते हैं, मौका तो हमको मिल सकता है। फिर दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा, करते करते फिर सब लोग जाके आ गए। तो वो जो पहला स्टूडेंट था उसका नाम था मिस्टर टिम कुक, मतलब समझे आप। तो ये सीन चल रहा है सस्टेनेबिलिटी का, एक ने हिम्मत करी उसके बाद में फिर सब लोग पीछे पीछे। एट द एंड तो फायदा सबको चाहिए ही था, अपना अपना पैसा है आप समझते हो। अगला है नितिन का सवाल, बोलते हैं गौरव भैया जो चैनल के लिए कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं वो कुछ हिंट दे दो क्या क्या होगा, एंड हैप्पी बर्थडे टू एडवांस इन एडवांस टू अरिहान, बाय द वे बर्थडे का व्लॉग मिलेगा क्या। यार व्लॉग वगैरह शायद ना हो पाए बिकॉज मैं शायद जो है वो कैमरा नहीं ऑन करता हूँ, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो पर्सनल मोमेंट्स हैं उनको पर्सनल रखता हूँ, बट अगर हुआ तो क्या पता दे भी सकता हूँ व्लॉग। बाय द वे इंस्टाग्राम पर फोटो तो खेल जरूर मिल जाएगी। और क्या बोलते हैं इसको, आपको चैनल के चेंजेस नितिन ना नया ही होने वाला है, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है बट दिस इज सब्सटेंशियल, बिलीव मी दिस इज वेरी सब्सटेंशियल, इट्स कमिंग, इट्स हैपनिंग बहुत बड़े स्केल पे मेरी सोच के हिसाब से, बहुत मजा आएगा, बस बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, विल चेंज द गेम। हिमांशु बोलते हैं कि गुरुजी पेगासस ने तो प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी है, व्हाट्स योर थॉट ऑन इट, एंड निंजा एच टू का कुछ सीन बना तो मजा आ जाएगा आपको। यार निंजा एच टू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई सीन बनाने का सेंस बनता नहीं, और पेगासस तो भैया आप क्या बताएं, आप जैसे मेरे जैसे हम आम लोग एकदम सुरक्षित है, बट हाँ बड़े स्किल पर भैया बहुत तगड़ा ही गेम चल रहा है पेगासस का। वैसे यहाँ पे हमारे पास में है अगला सवाल पूछा हुआ लोकेश ने, बोलते हैं कि नमस्ते भाई सोनी एक्सपीरिया 1.3 की वीडियो कब देखने को मिलेगी, आपने पिछले वीक बोला था 2-3 दिन बाद में। यार आई नो बोला था बट वो बीच में फिर चीज़ें दूसरी आ गई तो हो नहीं पाया, कल आ सकती थी बट कल भी नहीं आ पाई। अब मैं कल या आज दोबारा बोलता हूँ 2 से 3 दिन, प्लीज मौका दे दो, आपको जरूर मिल जाएगी लोकेश 2 से 3 दिन के अंदर एक्सपीरिया 1 मार्क 3 की वीडियो। और अगर नहीं मिले तो प्लीज दिल से सॉरी, थोड़ा इंतजार कर लेना 1-2 दिन और, मतलब अल्टीमेटली खैर मिल जाएगी। यहाँ पे अगला सवाल पूछा है लास्ट हमारे पास में अमृत संधू ने, ये रैपिड फायर लगा के आए हैं 3 रैपिड फायर्स के साथ में, पहले बोलते हैं iPhone 12 Pro Max या फिर Fold 3, अभी तो Fold 3, अभी iPhone 13 में से आने वाला है, लेट्स सी, Note 2 या फिर Moto Edge 20। कोई भी ले सकता हूँ इस, तो बट चलो Moto Edge 20 फॉर नाउ। मैकलारेन GT या फिर रोल्स रॉयस, डिपेंड करता है कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम, यार कंटेंट दोनों पे है बट ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे है शायद, तो नेटफ्लिक्स बोलूंगा। एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट, गूगल, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, काम चालू है। लव यू गुरुजी, चलो यार लव यू टू अमृत, आई होप गाइज कि आपको सभी सवालों के जवाब मिले होंगे, मैंने काफ़ी एकदम फर्राटे से बिना किसी कट के बिना किसी ब्रेक के आपको सभी सवालों के जवाब दे दिए, और मैं आपसे मिलता रहता हूँ ऐसे ही संडे 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 बात करते हुए, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बाकी रहता है बात करने के लिए, तो अगले एपिसोड आते रहेंगे ऐसे ही, और उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।